MCX का मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। यहाँ कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस की ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। MCX कमोडिटी ट्रेडिंग के मामले में देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज में भी एक है। यहाँ कीमती मेटल्स और क्रूड से लेकर एग्रीकल्चर कमोडिटी की भी ट्रेडिंग होती है। साल 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की निगरानी में काम करता है। भारत का MCX दुनिया के टॉप कमोडिटी एक्सचेंज में एक है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली कमोडिटी मार्केट से जुड़ने और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए MCX ने CME ग्रुप लंदन मेंटेन करने के लिए डेलियन कमोडिटी एक्सचेंज DCE, ताइवान फ्यूजर्स एक्सचेंज TAIFEX, जेंगजू कमोडिटी एक्सचेंज ZZE और यूरोपियन एनर्जी एक्सचेंज EEX जैसे टॉप इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ MOU साइन किया है। MCX के जरिए बुलियन इंडस्ट्रियल मेटल्स एनर्जी एंड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज समेत विभिन्न सेगमेंट के कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग होती है। इन कमोडिटीज में कृषि आधारित चीजें जैसे एडिबल ऑयल्स दालें और कई तरह के अनाज है। इसी तरह एनर्जी के मामले में क्रूड ऑयल नेचुरल गैस आदि की यहाँ ट्रेडिंग होती है। यहाँ कॉपर एल्यूमिनियम स्टील जैसे बेस मेटल्स से लेकर कीमती मेटल्स जैसे गोल्ड सिल्वर आदि की भी खूब ट्रेडिंग होती है। MCX इस एक्सचेंज की पहुंच पूरे देश में है और इसके संबंध दुनिया भर के सभी प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंजेस से है। MCX के देश भर में रजिस्टर्ड मेंबर्स की संख्या 600 से अधिक और इससे जुड़े ऑथराइज्ड मेंबर्स की संख्या 48,874 है। आप इसके विस्तार का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि देश के लगभग 1200 बड़े छोटे शहरों में इसकी पहुंच है। तभी तो कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में वैल्यू के मामले में इसका मार्केट शेयर 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान 92.6% है। अपने दायरे को बढ़ाने और कार्यप्रणाली को और एफिशिएंट बनाने के लिए MCX रिसर्च प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सहारा ले रहा है। यही कारण है कि MCX को ISO स्टैंडर्ड्स द्वारा सर्टिफाइड किया गया है। भारत समेत पूरी दुनिया में कमोडिटी का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि कमोडिटी आज इंडस्ट्रीज को ड्राइव कराती है, किसानों और कामगारों को जीविका उपलब्ध कराती है और एक्सपोर्ट में बड़ी भूमिका निभाती है। देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण फॉरेन एक्सचेंज जुटाने में कमोडिटीज की बड़ी भूमिका हो गई है, क्योंकि कई सारी कमोडिटीज का हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। हालांकि बड़ी मात्रा में क्रूड गोल्ड समेत कई महंगी कमोडिटीज का हम भारी मात्रा में इंपोर्ट भी करते हैं, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी गड़बड़ाता है, यानी हम निर्यात की तुलना में अधिक आयात कर लेते हैं। हालांकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी ये चीजें हमारे जरूरतों के मुताबिक तय होती है। कमोडिटी सभी जगहों के लिए एक जैसी ही होती है। उदाहरण के लिए अगर हम दार्जिलिंग चाय की बात करते हैं या फिर अफगानिस्तान के आमंड यानी बादाम की बात करें, तो वह चाय या आमंड हम कहीं से भी खरीदे वे एक जैसी ही होंगे। यहाँ खास बात यह है कि कमोडिटी की ट्रेडिंग अधिकांश मामलों में फ्यूचर्स ट्रांजैक्शंस के जरिए होती है। MCX के फ्लैगशिप इंडेक्स सीरीज MCX iComdex पर फ्यूचर प्राइस इंडेक्स सूचकांक के जरिए MCX पर ट्रेड होने वाली प्रमुख कमोडिटीज और कमोडिटी सेगमेंट में होने वाले उतार चढ़ाव की रियल टाइम जानकारी हमें मिलती है। कमोडिटीज के कॉम्पोजिट इंडेक्स के साथ ही इस पर बेस मेटल इंडेक्स बुलियन इंडेक्स और एनर्जी इंडेक्स जैसे 3 इंडेक्स भी होते हैं। MCX कमोडिटीज के मामले में उसी तरह से काम करता है जैसे BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज के ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए काम करता है। MCX ट्रेडिंग पूरी तरह से सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है।
यह ट्रेडिंग सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में होती है, इसीलिए यहाँ पूरी तरह से रिस्क मैनेजमेंट होता है। हम कह सकते हैं कि जिस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का महत्व, प्रभाव और दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी तरह कमोडिटी ट्रेडिंग के मामले में MCX का प्रभाव और दायरा बढ़ता जा रहा है। कमोडिटी की दुनिया के और आकर्षक होते जाने और बढ़ते महत्व के कारण MCX का महत्व और दायरा लगातार बढ़ना तय है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.